इससे तोड़ा है। इतने जादू किए आज तक, पहली बार किसी ने ये हरकत की है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट मैन। अरे भाई इंसानियत खत्म कर दी क्या? चढ़ा दोगे? ये तुम ही लेट रहे हो सामने तो रहे। इंसानियत खत्म हो गई है। क्या हो रहा है लेकिन ये जो भी हो रहा है, कुचलने वाले थे ना, इधर आ जाओ साइड में। अच्छा भाई आ जाओ। मारे वारे ना, क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड चलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम माफ करोगे? तुम लेट रहे हो आगे, सड़क के बीच जो सर्कस दिखा रहे हो तुम लोग, और मुझे माफ करोगे? ये सर्कस लग रहा है और क्या लग रहा है? दोनों के दोनों जोकर लग रहे हो तुम दोनों। तो ज्यादा नहीं बोल रहे क्यों? क्या कर लेगा तू? एक मिनट सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज है। तो तू कहाँ पास जा रहा है? चेक कर लो, आप बजा के देख लो। अरे अभी दोनों एक बजा दूंगा, कान कीजिए ठीक है ना। जरा पैसा मत जाने दो मुझे। घोड़े का वो है इसमें इंजेक्शन। अच्छा लेते है ना, बॉडी बिल्डर आप जैसे लेते तो है वो घोड़े। क्या लेते हैं? मैंने सुना है कि जिम वाले लोग ये घोड़े का कुछ अरे घोड़े का ही लेते भाई, वो स्टर्ड वगैरह होते हैं लेकिन बाद में लेते हैं बहुत। घोड़े का ही होता है? अरे घोड़े का नहीं होता भाई वो। अरे भाई ठीक है यार, आप तो गुस्सा हो रहे हो। वैक्सीनेशन लग गया? हाँ लग गया। कितने डोज? एक। फर्स्ट डोज लग गया? हाँ। अरे क्या फेस कट है यार। कैमरामैन एक बार जिस तरह के काम कर रहे हो ना भाई, तो लग रहा है भाई कॉन्फिडेंस हो तो बॉबी देवल का नहीं है इतना कॉन्फिडेंस तो 18 मूवी करने के बाद। अच्छा तुम्हारा तो कहीं और ही पहुंचा हुआ है भाई साहब। 2 बार मिस्टर दिल्ली हूँ ठीक है। एक बार में क्या मजा नहीं आया था? मतलब 2 बार क्या बनने की जरूरत? मेरी मर्जी, बनू ना बनू। मिस्टर दिल्ली क्या होता है थोड़ा सा बताइए लोग। भाई मिस्टर दिल्ली कॉम्पिटिशन होता है जिसमें फिटनेस लेवल, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग की वो होती है। तो उसमें मैं बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेली है, तो उसमें बना हूँ मिस्टर दिल्ली में। बिग रिस्पेक्ट बॉबी के लिए, क्योंकि आई नो जब आप बॉडी बिल्डिंग को एज प्रोफेशन लेते हो तो आपको सब चीज छोड़नी पड़ती है। तेल वाला खाना, पानी भी छोड़ना पड़ता है भाई उसमें शरीर से। नहीं हाँ। पीने से भी छोड़ना पड़ता है जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और बेहोशी में जाते हैं स्ट्रेचर पे? नहीं, इतने भी कमजोर नहीं होते हम। चलिए कोई बात नहीं भाई, हम ही पौधे पैदा हुए हैं शायद जो ज्यादा पानी पी रहे हैं, हो सकता है। ये जो जनरेशन है ना आजकल की, ये एकदम हाजिर जवाब है, एकदम पलट के आपको जवाब देती है और कहीं का नहीं छोड़ती। वो है ये जनरेशन। गाड़ियों का इंजन ऑयल आप लोग मल के जो वहाँ बॉडी नहीं इंजन ऑयल नहीं होता, वो क्रीम होती है, टैनिंग क्रीम होती है वो लगाने वाली ठीक है। बट वो इंजन ऑयल नहीं, कैसी बात कर रहे हो यार। टैनिंग क्रीम होती है वो बॉडी बिल्डर्स के लिए होती है बस। अच्छा जिससे शाइन आती है? हाँ शाइन। वो ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं करता भाई उसमें। कैसे करते हैं? मतलब ऐसे को एब्सोल्युटली कुपोषित भारत के ब्रांड। अच्छा नहीं सही कह रहे हो तुम तो? अच्छा मेरी हिंदी, सॉरी मैं हिंदी में गड़बड़ा गया। फिटनेस फ्रीक है और आज हमारा जादू भी इसी से कुछ रिलेटेड है गाइस। रोनाल्डो को जानते हो? कौन नहीं जानता। रोनाल्डो ने रिसेंटली देखा होगा आपने 2 बोतलें इधर उधर की। हाँ। और उस कंपनी के शेयर्स जो मार्केट वैल्यू थी वो लॉस में चली गई। मैं चाहता हूँ आप भी बॉटल्स को थोड़ा सा छेड़छाड़ करके आज ये जादू करेंगे। बॉबी एक वो चीज सोच लो जो आपने बहुत साल से प्लान कर रखी है कि मुझे लेनी है, खरीदनी। छोटी साइज की चीज जो 2 लीटर की बॉटल में आ सके अंदर, वो चीज जो आपके दिमाग में है वो उस बॉटल में उतारना मेरी जिम्मेदारी है ठीक है। मेरी थोड़ा औकात के हिसाब से सोचना कि इतना भी नहीं महंगा। नहीं फिर तो सोच ही नहीं पाऊंगा ना। ओके गाइस, ज्यादा टाइम आपका ना लिए। हाँ भाई जल्दी प्लीज सामान लाया जाए। ओ बाय द वे, मैं जर्मनी से 7 साल का जादू का कोर्स करके आया। जर्मनी सुन के थोड़ा घबरा गया लगा। घबरा नहीं, हंसी आ रही है मुझे। पलवल नहीं कह रहा? अच्छा नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ पलवल नहीं। और ध्यान से प्लीज पेटीकोट में विस्फोट पार्ट 2 मत बनवा ले। ये हेड इंटर्न है हमारे। अच्छा हाँ। प्रेजेंटेशन सुना है कुछ? प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती, कुछ भी ले आए हैं। हाँ कहावत सुनिए ना। हाँ सुनिए तो। कौन सी कहावत बताए? नाचना आए आंगन टेढ़ा नाचना जाने होता है वो गाइस। ओ कैसे तड़प रही है हिंदी। ओ माय गॉड, नाचना है आंगन टेढ़ा गाइस, लेकिन प्यारा बहुत है यार हमारा ये। अबे यार ये इसका भी टेस्ट है क्योंकि इसी ने आज इस बॉटल में अपना ऑरा भरा है। ऑरा? वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो क्या होता है? करना क्या है, ये कपड़े से आपका और मेरा ब्लाइंड फोल्ड होगा। एक कपड़े से? दो कपड़े हैं ये। अच्छा अच्छा। आपके और मेरे बीच में एक मैच होने वाला है इन बॉटल से। ओके। 5 चांसेस मिलेंगे, आंख बंद करके एक एक करके हमें सर पे एम करनी, बट टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। ये ढक्कन वाली साइड से? अस्पताल भिजवाना है क्या आज? तो बताओ ना यार किस साइड से मारना है। इस साइड से पकड़ना है। अच्छा अच्छा। और इस साइड से मारना है। मेरी तो इसकी प्रैक्टिस है, मैंने 7 साल जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, ध्यान की प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन आपने घंटा नहीं की हुई। गुस्सा नहीं, मैं जोश में आ जाता हूँ, मैं टेड स्पीकर भी हूँ। आज मौका है, और दूंगा तेरी समय। सर पे मारना है यार, आपकी फैंटेसीज ही अलग हैं। वो पता चल जाएगा अभी। ये होता है गाइस कॉन्फिडेंस। आर यू रेडी? बिल्कुल। एक बोतल चुन लीजिए, ये मेरी है, पकड़ो, भरो थोड़ा ऑरा। अरे क्या भर रहे हो ऑरा, माथे से भर यार तुम। I am going to blindfold Bobby. Bobby, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा blindfold नीचे कर लो ताकि तुम देख पाओ। अपनी बॉटल हाथ में रख लीजिए, ग्रिप अच्छे से कर लीजिएगा। नीलम मैम अपने पेटीकोट्स की पावर। blindfold लगने के बाद खुलना नहीं चाहिए, वरना सारी मेहनत वेस्ट है जो आपके 10-15 मिनट आप यहाँ गुजारे हैं सब वेस्ट। The match is about to start. Ronaldo with his bottle and मुझे भी बॉटल दो। Okay, blindfold कर लीजिए बॉबी। कर लिया। इंटर्न, क्या दोनों के ब्लाइंडफोल्ड हो चुके हैं, हाँ या ना? यस। ओके देन। ओके, पहला चांस मैं लूंगा गाइस। वी आर गोइंग विद फर्स्ट चांस। आर यू रेडी? 3, 2, 1, मेरी बारी। इंटर्न सही लगी है, कंधे पे तो नहीं लगी? नहीं। ये आपका ही मैजिक है। अच्छा। जो भी हो रहा है आपके लिए ही हो रहा है ये। अच्छा ठीक है। अब आपकी बारी है बॉबी। ठीक है। 3, 2, 1। आप खड़े रहो। बढ़िया लगा? मजा तो आ गया हो? अंदाजा लेना। ओके, 3, 2, 1। इंटर्न क्या सही लगी थी? बॉबी अब आपकी बारी है। बिल्कुल तैयार हूँ। अंदाजा लेना चाहेंगे? हाँ ले लिया। 3, 2, 1। आगे बढ़िया वाला मजा। आगे बढ़िया वाला मजा। मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों ही फेल नहीं हो रहे हैं। हम 5 नहीं 4 ही बार रखेंगे आई थिंक, क्योंकि इतनी एनर्जी 4 काफी है। क्या? मेरी बारी बॉबी, मैं चाहता हूँ आप बोले 3, 2, 1। ओके। हाँ 3, 4, 1 तो बोले देते। यही तो ट्रिक है। अच्छा मेरे को इंटर्न प्लीज देख लीजिएगा, बेहोशी तो नहीं आ रही? इस बॉटल के अंदर जैसे ही आप मारोगे वो आइटम आना चाहिए, क्योंकि अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। सो मेक श्योर बॉबी ये मिस ना हो, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है ठीक है। तेज मारने के चक्कर में शॉट मत मिस कर देना। आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है, तेज भी होना है, ब्लाइंडफोल्ड भी चेक कर लो लगा हुआ है दोनों का। ओके ठीक है। गिफ्ट इस बॉटल के अंदर होगा इस शॉट के बाद। ठीक है। आर वी रेडी? बिल्कुल। 3, 2, 1। ओह गॉड, अफसोस बॉबी मेरे सर पे नहीं लगी। ब्लाइंडफोल्ड नीचे कर लीजिए। ये मेरे पैर पे लगी है। अफसोस बॉबी इतनी दूर तक आए। पीपल आर क्राइंग देयर। अरे तुम पीछे मारो यार। मैं नहीं पीछे हुआ। अंपायर प्लीज, रेफरी बताइए। नहीं भाई ये यहीं खड़े थे। ये तुम्हारी टीम का है तो बोलेगा यार। फुटेज दिखाओ मुझे। गाइस यहाँ मैजिक खत्म होता हुआ आज पहली बार। खत्म नहीं होगा भाई, खत्म नहीं होगा, पहले मुझे फुटेज दिखाओ वाली। एक मिनट मैं बात कर लूँ, मेरा वीडियो है ना। एक सेकंड रुक जाओ, अभी बंदा बना दो। गाइस मैं फुटेज दिखा रहा हूँ, मैं फुटेज दिखा रहा हूँ। कट कर दो लैपटॉप में। फोन में ले आओ, फोन में वीडियो। सर को फाइल ट्रांसफ़र करो। गाइस अभी पता लग जाएगा। और इन भाई की एक गलतफहमी, वैसे बहुत गलतफहमी है, एक गलतफहमी तो मैं दूर कर सकता हूँ, बाकी तो आप खुद कर लेंगे। आ गया होगा। एक सेकेंड इससे पहले आप प्ले करें। हाँ। आप उधर देखें और ये वीडियो फाइल प्ले करें। चलो मुँह की खाई का लाइव टेलीकास्ट देखिए। अच्छा प्ले करो, देखो आराम। ये आगे क्यों खोली तूने? आप आगे देखिए, मैंने वापस लगाया है, देखिए उसको। जादू को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और क्या हो गया? कांड हो गया। मेरा पत्थर ये इससे तोड़ा है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ना। इसे घर कैसे ले जाऊंगा वो टेंशन है मेरी, और कुछ नहीं। तो तुझे आना था ना यार, जब तू इधर को भाग गया। भाई इतनी बार किया है, आज तक किसी ने ऐसा किया? ओके गाइस, ये कार ड्राइव करके मैं घर वापस तो नहीं जा सकता था। सो वी वर डिस्कसिंग समथिंग कि क्या बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि घर वालों ने अगर इस हालत में गाड़ी देखी, हालत देखा तो मैजिक आना आगे से बंद। सो आई कॉल्ड अप नीलम मैम एंड नीलम मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार वो और प्रोफेसर गंबल लोड इंडिया आए हुए थे और लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, और नीलम मैम गाड़ी के अंदर उन्हें अपनी मैजिक दिखा रही। जोक्स अबाउट, गाड़ी एक्चुअली उनकी एक बार ठुक गई थी एंड उनके कहने से गो मैकेनिक से मैंने सर्विस बुक कराई। दीपक भाई इज माई डेडिकेटेड सर्विस बडी। इट्स इजी, कार सिलेक्ट करो, टाइप ऑफ सर्विस डालो एंड लकीली मुझे स्लॉट अभी का मिल गया था। सो मैंने फटाफट बुक करा दिया एंड मैंने दीपक भाई को कॉल किया। आई वॉज शॉक्ड, मुझे लगा ये गाड़ी लेके जाएंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे विंड स्क्रीन। इतनी खुशी हुई सुन के। ही सेड आधे घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाए। कॉन्टैक्टलेसली दे विल पिक अप एंड ड्रॉप योर कार। नेशन वाइड बेस्ट प्राइस एंड ऑफर्स हैं। मेरी इतनी ज्यादा टेंशन कम हो गई एंड मुसीबत में जो काम आए उसको दिल से शाउट आउट तो बनता है। खुदा न खास्ता ये नौबत आपके भी साथ कभी आए। सो आई बिग टाइम रेकमेंड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चोरों की तरह देखना बंद कर दो, हमें यूट्यूब बताता रहता है 60% लोग बिना सब्सक्राइब दबाए देखते। लाइक, सब्सक्राइब, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो।